उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बुधवार को संयुक्त कार्यालय परिसर रामपुर बुशहर में कपड़ा बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने उपमंडल प्रशासन रामपुर द्वारा हर तन पर हो कपड़ा के तहत की गई इस नई पहल की सराहना की। इसके आरंभ होने से जहां गरीब और जरूरतमंद को तन ढकने के लिए वस्त्र उपलब्ध होंगे, वहीं सामाजिक सहभागिता भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने श्राईकोटी मंदिर के नवीनीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तीर्थाटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत महत्व है और मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य पूर्ण होने पर पर्यटकों का इस ओर और अधिक आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने मंदिर के कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने रामपुर उपमंडल के तहत मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्यों की पूर्ति करें और इससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसे अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे प्रदेश सरकार के ध्यान में लाने योग्य होंगे उसके संबंध में अवगत करवाएं ताकि उसका निवारण किया जा सके। क्षेत्र में जनता से जुड़े प्रतिनिधियों के कार्यों और मुद्दों को अधिकारी गंभीरता के साथ समाधान करें। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन, DSP चंद्रशेखर कायत तथा उपमंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी दौरान उन्होंने जिला स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटी और आर्यवर्त एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी रामपुर के संयुक्त तत्वाधान में तकलीच में आयोजित रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ किया। एपल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। और उसमें क्या इश्यूज हैं? तो आपके द्वारा जो बताया गया है हमें दो इश्यूज जो हमसे जो गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करने के हैं वो हम गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करेंगे। मेरा आप लोगों से केवल एक ही निवेदन है कि जो जो काम आप जल्दी कर सकते हैं उनको जो है जल्दी एग्जीक्यूट करें, क्योंकि कई काम ऐसे हैं जो बहुत सालों से चले हुए हैं और जो है इतने सालों से चल रहे हैं कि अभी तक भी मतलब कंप्लीट नहीं हुए, जो कि उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मेरा जो हमारे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है PWD और जलशक्ति तो इन और अन्य भी जो है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो है इन स्कीम्स को आप अपने लेवल पर ही रिव्यू करें और इनको और तेजी दें और गति प्रदान करें ताकि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। आज की बैठक करने का जो है डायरेक्शन जो है वो हमें टॉप लेवल से आई है। उसमें ये डायरेक्शन थे कि जितने भी डेवलपमेंटल वर्क है, खासतौर पर जो सीएम साहब के अनाउंसमेंट है या जिसके फाउंडेशन सीएम साहब ने मोदी जी ने रखे हैं, तो उसका जो है टाइमली रिव्यू हो और उसका जो है टाइमली एग्जीक्यूशन हो। तो इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप लोग सभी प्रायोरिटी पर लें और उसको जो है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है अभी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा बने कुछ समय में, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कम्प्लीट हो जाए ताकि उनका जो है हम इनॉग्रेशन वगैरह कर सकें ताकि वो जो जनता को उन स्कीम का फायदा मिल सके। दूसरा ये कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद जो है इसकी रिव्यू बैठक हो, एक उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक हो जिसमें आपके विभाग के जो है उच्च स्तरीय अधिकारी जैसे PNC लेवल पे हो सकता है कि एक रिव्यू बैठक हो, खास स्पेशली जो है शिमला जिले के संदर्भ में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप चीज़ों को एक्सपेडाइट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसा फीडबैक गया है कि यहाँ पे थोड़ा जो है सब डिवीज़न में काम स्लो है, सब डिवीज़न में जो है वो रिव्यू नहीं हो रहा है और सब डिवीज़न में जो है इतनी सुनवाई नहीं हो रही है लोगों की, तो ऐसा कुछ फीडबैक भी थोड़ा सा गया है। तो जैसा कि आज आप लोगों ने जो आज आप लोगों से चर्चा हुई है इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आप जो है काम को गति दें और जल्दी से जल्दी काम को पूरा करें ताकि जो है जब भी रिव्यू बैठक हो तो उसमें हमारी जो है पॉलिसी उसमें अच्छे से नियुक्ति किया है। बाकी मैं दोबारा सभी विभागों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपने जो है डिटेल में अपने अपने वर्क के बारे में बताया। तो ऐसी रिव्यू बैठकें जो है हम टाइम टू टाइम यहाँ पर करते रहेंगे। और मेरा एक अनुरोध और है आपसे कि जो ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं या ऐसे नुमाइंदे हैं जिनका जनता से सरोकार है, उन लोगों के जो इश्यूज हैं, उन लोगों के जो मुद्दे हैं, काइंडली उनको सुनें, क्योंकि वो ब्रॉडली जो है वो जनता की बात को, जनता की फीलिंग को, जनता के इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा उसको थोड़ा गंभीरता से लें और उनको भी थोड़ा प्रायोरिटी पर जो इश्यूज वो रेज करते हैं उसको प्रायोरिटी पर उसका समाधान करें। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों का एक बार फिर से आज जो है सब डिवीज़न रामपुर में हमने एक आवश्यक बैठक करी है। इसमें जो है हमने विभिन्न विभागों में जो एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं,
उनका रिव्यू क्या है? जैसे पीडब्ल्यूडी के, जल शक्ति विभाग के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, दोनों हमारे जो विकास खंड है उनमें जो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही है उनका रिव्यू क्या है? उनके लिए हमने टारगेट्स वगैरह सेट किए, उनके लिए हमने जो है ये गोल्स वगैरह सेट किए हैं कि वो जो है डेवलपमेंटल वर्क्स को एक तय समय सीमा के अंदर जो है पूरा करने के उनको निर्देश दिए हैं।